तनी क्या सीन है गाइस, कभी यार भयंकर खाना खा रहे थे भयंकर होटल में, भयंकर इसकी बैक गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही यार, पता नहीं इसकी बैटरी पता नहीं कैसे डाउन हो गई यार, 12 पॉइंट कुछ वोल्टेज तो आ रहा है यार। हो जाए यार स्टार्ट हो जा। गाइस ये रही भाई अपनी मॉन्स्टर, और भाई अपनी गाड़ी का गेली वाल लग चुका था, और भाई क्या हुआ भाई रास्ते में ना भाई हरिद्वार में हमारी बैटरी डाउन हो गई। सो गाइस मैं भी पता वापस से घर गए भाई, मेरा ऑयल प्रेशर लो बता दिया भाई यहाँ पे, जैसे मैं जाने को लेने के लिए जा रहा था ना। ओ लड़की अबे क्या लड़की, अबे इसको बोला था भाई कि वहां दुकान में रुके इधर। Hey guys, welcome back to my channel, Naughty Negi। तो guys, आज की व्लॉग भी स्टार्ट हो रही है रोज की तरह अपने रूम से। तो guys, आज है भाई संडे, और भाई अभी मेरे को सत्यम का मैसेज वगैरह, उसने स्टोरी लगा रखी थी कि भाई राइट पे कोई चल रहा है, तो भाई सीधा कॉल मारी है, तो बोला कि भाई मनीष भाई से पूछते। तो देखते गाइस आज संडे, और भाई ऐसा हो नहीं सकता कि हम संडे राइड में ना जाए। तो भाई पहले सिर्फ मेरा अकेला के था, ठीक है कि मैं अकेला भाई अपना गे लीवर, आपको पता है भाई तुम्हारे भाई का गे लीवर टूटा पड़ा है, तो उसको मैं बनाने जा रहा था हरिद्वार, ठीक है। तो भाई सत्यम को मैंने कॉल वगैरह की, तो उसने बोला मैं मनीष भाई लोगों से पूछता हूँ जिनके साथ हम गए चंबा गए थे भाई अभी कुछ टाइम पहले, जो 220 वाले भाई का क्रैश वगैरह भी हुआ था, ठीक है हमारे साथ राइड में। तो भाई मैंने कहा तू पूछ भाई फटाफट से पूछ, मेरे को बता, मैंने कहा तब इंटरव्यू वगैरह मार दो फटाफट से, ठीक है। तो गाइस वही है भाई अपनी गाड़ी का भाई गे लीवर टूटा हुआ है, तो पता नहीं भाई नजियाबाद में, तो मे बी मुझे तो लगता नहीं है कि वो नजियाबाद पता नहीं गे लीवर मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। बाकी हरिद्वार मेरी सर से बात हो रही है, भैया से बात हो रही है, तो उन्होंने कहा तू गाड़ी लिया इधर तो हम देख लेंगे ना। तो भाई वही सीन है भाई, गाड़ी मैंने कैसे भी करके भाई थर्ड गियर में कर रखी है, तो थर्ड गियर में आपको पता है भाई वो वाइब्रेट करते करते भाई ज्यादा से ज्यादा 65 या 70 जाएगी, उससे अबव नहीं जाएगी, तो मैं इसमें हाइपर भी नहीं कर सकता। बाकी आते टाइम देखेंगे क्या सीन होता है। तो गाइस पहले मैं अपना गे लीवर ही लगाऊंगा हरिद्वार जाके, बाकी भाई इनका जो भी अपडेट होगा बाकी देखते भाई कौन कौन हमें ज्वाइन करते कौन कौन नहीं। पहले तो भाई हम फटाफट से भाई अपनी बाइक कोल्ड स्टार्ट करते, कोल्ड स्टार्ट भी क्या करना है, उसका गे लीवर सारा टूटा पड़ा है। सो गाइस ये चेक करो भाई अपनी मॉन्स्टर को, तो गाइस अभी वही सीन हो रहा है भाई, इसकी गे लीवर टूटी पड़ी है। तो गाइस ये भाई अभी मैं कोल्ड स्टार्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि गियर अभी न्यूटन में नहीं होगा, और आपको पता है स्टैंड में सेंसर वगैरह है, तो थर्ड गियर में करेंगे तो भाई क्या ही वो अब स्टार्ट होगी, मैं आपको चेक कराता हूँ भाई, होती ही नहीं है देख रहो क्योंकि सेंसर वाइज है ना। तो भाई वही है गाइस, अभी हमने कल गाड़ी वॉश करवाई थी, और पता मेरे को अभी इसमें दो काम है, एक गे लीवर लगवानी है, और भाई इसकी जो पीछे की जो टेल की जो स्टॉक टेल की जो वायर होती है ना पूरा अंदर का सेट, वो भी मेरा खो रहा है, वो तो काफ़ी टाइम पहले का खो रखा है, तो वो अगर होगा तो वो लगवा दूंगा। बाकी भाई अपने भाई अब गाड़ी में बैठ के स्टैंड ऊपर करके कोल्ड स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि कोल्ड स्टार्ट ऐसे हुई यार, ये काला काला क्या लगा भाई मेरी गाड़ी में। ओ भाई ऑरेंज और पता ये वाइट कलर में ना, पता यही तो प्रॉब्लम है कि मतलब कोई काली चीज़ होती है ना कुछ भी, वो बहुत जल्दी भाई नोटिस होती है बहुत जल्दी भाई। देख रहे हो भाई गाड़ी, मतलब अभी मैंने सिर्फ कल को वाशी वाश करवाई थी ना, कसम से यार बहुत गंदा लग रहा है भाई। इधर साइड से ना मेरा पूरा गे मतलब पूरा गे लीवर टूटी पड़ी है, देख रहे हो भयंकर कैसा भयंकर नीचे लटक रहा है यार पूरा, देख रहे हो ये कितना गंदा लग रहा है यार कसम से भाई। मैं सोचा ही नहीं था यार भयंकर पता नहीं कितने का होगा, मुझे भी नहीं पता यार, फालतू के खर्चे बढ़ रहे हैं भयंकर, कभी कुछ हो जा रहा है कभी कुछ हो जा रहा है। अपने सेल भी डाउन हो रही है भाई, ये सेल भी भरवाने, और भाई क्या ही बोलूँ यार, देख रहे हो थर्ड गियर में ये इतना हो रहा है ना 50-53, उसके बाद पता गाड़ी थोड़ी वाइब्रेट सी हो जाती ना, मतलब वाइब्रेट सी हो जा रही है यार, फिर उसके बाद मतलब वो गियर मांग रही है ना, मतलब देखो लास्ट देखो कितना जा रही है 64, अगर मैं इतना भी भगाऊँ ना तो फिर भी मतलब मैं इसको भाई 70 तक ही भगा पाऊंगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है, इसमें ना गाड़ी पता बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाएगी भाई मेरी, मतलब समझ लो ना आप बहुत ज़्यादा हीट मार जाएगी गाड़ी। और आप ये सोचो भाई मैं इसको ना गियर शिफ्ट कर दूंगा भाई आराम से, मतलब आगे के लिए पैर अगर मारता हूँ ना तो ये गियर मतलब 4th 5th 6th हो जाएगा, फिर मैं इसको उतार नहीं पाऊंगा पता गियर, क्योंकि पीछे के लिए भाई जान ही नहीं आ रही बिल्कुल नहीं भाई, शूज़ भी पूरे ख़राब होंगे, वैसे वाइट शूज़ है भाई, मतलब पीछे हो ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने स्लीपर जिस दिन मैं जिम भी गया था भाई उस दिन मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी भाई, हुआ ही नहीं भाई। अभी देख रहे हो मेरा पैर कैसा खाली खाली सा लग रहा है, यहाँ पे जैसे मुझे गियर डाउन करना था ना तो हो ही नहीं पा रहा पता, इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही पता बिना गियर भाई, जिस दिन टूटा था ना ये कसम से बोल रहा भाई, जिस दिन मैं आ रहा था भाई क्या बोलूँ भाई, एक से जैसी बंदर आया और भाई मैंने पैर डाला, मैंने गियर डाउन कर रहा था भाई, पूरा खाली खाली सा ऐसा फील हो रहा था ना कि मैं क्या ही बोलूँ भाई, खतरनाक मतलब क्या ही बोलना भाई। चलो यार अब जो हो गया भाई, अभी मेरे को खर्चे तो भयंकर होते रहते हैं बाइक पे, अबे कहाँ डाल रहा गाड़ी, मुंह पे चढ़ा दे साले। यार मेरे को जानू का भी कॉल आया था भाई, यार जानू बोल रही थी कि मैं भी आ रहा हूँ मतलब ऐसे करके ना राइड पे, मेरे को कुछ पता नहीं था यार कि मनीष भैया लोग ऐसे कुछ उनका प्लान है, अभी मैंने अभी कॉल भी नहीं किया, अभी मैं जानू को रिसीव कर देता हूँ इधर से ना उसके भाई के यहाँ से, फिर उसके बाद देखते भाई आज जानू को भी उठा के लेके चलते यार राइड पे, क्या बोलते हो गाइस, इसको ले चले आज जानू को भाई। मैं भी वही बोल रहा था यार भाई हाइपर करेगा उसे, कहाँ यार तू मतलब प्लेन में कहाँ करे भाई, मैंने कहा तू वो मेरे पे छोड़ दे भाई। चलो गाइस मिलते भाई जानू के पास,
सो गाइस मैं अभी पता वापस से घर गया भाई, मेरा ऑयल प्रेशर लो बता दिया भाई यहाँ पे। जैसे मैं जानू को लेने के लिए जा रहा था ना, वो भैंस की यार क्या बोलूं भाई, मैं इसको यहाँ से टर्न मारा, मैं फिर वापस चली गया पता। इसमें भी ऑयल डाला, मैं आपको दिखाऊंगा। देखो यार वहाँ पे ना पता जल्दी वाले वहाँ पता नहीं क्या हुआ, गोप्रो ही बंद हो गया मेरा, मेरे को लगा पूरा रिकॉर्ड हो रखा होगा भाई। ये सारी चीज़ें ना एक साथ हो रही भाई, क्या बोलूं यार, जानू वेट कर रही होगी वहाँ पर। ओ लड़की अबे क्या लड़की, अबे इसको बोला था भाई कि वहाँ दुकान में रुक, इधर तेरे को बोला था भैया कि वहाँ भाई की दुकान में रुक जा, तू पैदल क्यों आ गई? मैं तेरे को बोला था लक्की की दुकान में रुक जा, मैं यहाँ पे इसमें ऑयल डाल के आ रहा हूँ, ऑयल प्रेशर लो हो गया था उसका, हद हो गई है। हरिद्वार के लेवल लगाने वहाँ देख रहे हो गैस, ये देख रहे हो ये पूरा ये यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से धुआं निकल रहा है, इंजन ऑयल अभी अभी डाला है भाई, देख रहे हो पूरा हाथ पे लगा हुआ, देख रहे हो इधर क्या नहीं बोला तो तेरे को ये चल चला तेरे को भाई के यहाँ छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है? अरे मैं अकेले ही जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना? तब मैं टाइम से आऊँगा, टाइम से तुझसे फिर मिल लूँगा, ठीक है? यार तू आया ही क्यों यार, तू पैदल पैदल इधर यार हैं? मिलने यार, हद हो गई यार मिलने यार, तेरे को बोला था ना भाई के यहाँ रुक जा, मैं तुझसे मिल के तब मैं सीधा हरिद्वार चल जाता यार। गाइस फाइनली भाई काफ़ी मुसीबत के बाद भाई पहुँच चुके भाई हरिद्वार के टीएम शोरूम में, और भाई इसका गेलीवर वगैरह लगवाता हूँ फिर मिलता हूँ भाई आपको मैं फटाफट से। ओह कितनी भीड़ भाई आज, जानो उतरेगा क्योंकि इसका ना वो क्या बोलते हैं पांचवे गियर में कर दी ना भाई, थर्ड गियर में थी भाई, पैर से मार मार के फिफ्थ गियर में कर दी। बस ये रहा भाई अपना बिल और गेट पास, कहाँ गए भाई मेरी गाड़ी, ये लगी भी कितने का पड़ा यार मेरे को ये भयंकर भाई, कितने का पड़ा 1074 75, मतलब 75 लगा लो, मतलब 1100 रुपये लगा लो भाई, मेरे को पूरे 1100 रुपये का पड़ा है। गेलीवर आ गया, तेरी गाड़ी कहाँ है? हाँ कौन सा शोरूम? अबे तेरी गाड़ी तो फूटी पड़ी है यार, चल 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 गाड़ी मोर वहीं चल टेपिंग वाले के पास, और उससे ये भी कराना है, ये स्पेलिंग भी सही करानी है। इसका कुछ काम नहीं है भाई, अब इसको बैग में डाल देते भाई। भाई अब जाके क्या अच्छी फील आ रही भाई, गेली वाल लग गया भाई, देख रहे हो अब कैसे कैसे करके डाउन अप हो रहा है भाई, अब मेरे शूज़ ख़राब होंगे और कुछ नहीं होंगे भाई। ये देख रहे हो शूज़ काले पड़ गए भाई, दो गियर मारने पे यार, ये वाइट शूज़ में ना यही सबसे बड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यार। और सत्यम ये भी बहुत जल्दी आ गया भाई इसने, अबे यार भाई का भी तो एक्सीडेंट हो रखा है, तो क्या इसको भी नॉडी का भी करवाते हैं, और जो अपनी फॉग लाइट की है ना तो भाई वो भी करवाते हैं, इसमें ये कवर लगाने वाला या तो नया या तो ये जो भी लगेगा ये करवा के सारा, फिर उसके बाद देखते हैं भाई राइड का क्या सीन बनता है भाई, क्योंकि आज साथ में कोई आया है नहीं, सत्यम भी उधर मनीष भाई भी नहीं आए, बाकी देखते हैं भैया तो या तो यहाँ से घर ही निकलेंगे डायरेक्ट भाई, इसको ये सारा काम करवा के। गाइस अपना गियर लेवल लग चुका है, और भाई तुम्हारे भाई ने यहाँ पे नॉडी नहीं की, ये भी पूरा चेंज करा दिया भैया, बीच में देख रहे हो भाई रेड कलर के हमने, ओ भाई स्पीड ब्रेकर भी था तब तक एकदम से आता ना मुँह पे भाई, बहुत टाइम लग गया भाई इस पे ये नॉडी नहीं की, मैं ना भाई क्या बोलूँ इतना टाइम भाई, जहाँ पर से मैंने ये गेलीवर का जो कवर लगाया है ना ताकि मेरे वाइट शूज़ ख़राब ना हो, ख़राब तो क्या भाई हल्के फुल्के देखो छापे तो पड़ी गए उस पे, तो भाई वहाँ से चार बार इसको निकाल के भाई साइड फेंका भाई, वो पता नहीं क्या कर रहे यार, वो साइज़ बड़ा छोटा समझ ही नहीं आ रहा भाई, फॉन्ट भी आला नहीं था, मैंने पहले बोल दिया भाई फॉन्ट आला है ही नहीं, तब फिर मैं दूसरी शॉप पर गया भाई, वहाँ जाके तब जाके उसने उनका भी भाई एक बारी में ख़राब हो गया था भाई, क्या कर रहे हैं उनका भी एक बार में ख़राब हो गया था, फिर सेकंड टाइम में फिर ये वाला किया उन्होंने ठीक, तब फिर मैंने बोला सेकंड टाइम पे जब कर रहे हो तो मैंने कहा दो डबल डी रेड कर दो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। ओहो भाई अब थोड़ा ना गाड़ी में भगा सकता हूँ भाई आराम से ट्रस्ट करके, क्योंकि भाई इंजन ब्रेकिंग मेरे हाथ में अब है ना, क्योंकि उस टाइम पर तो क्या सीन हो रहा था भाई, थर्ड गियर में फिर आगे पैर मार के मैंने चौथा गियर किया, पांचवा भी कर दिया था, फिर भाई गाड़ी रोकने में जो मतलब प्रॉब्लम हो रही थी ना भाई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी भाई, बहुत ही ज़्यादा आज की सारी राइड ना भाई ख़राब हो गई, मतलब टाइम ही नहीं रहा यार राइड उड करने के लिए बिल्कुल भी नहीं, टाइम तो पूरा ख़त्म हो गया। देखो अभी हम खाने के लिए रुकेंगे आगे, फिर उसके बाद भाई पूरा अंधेरा हो जाना आधे घंटा, आपको पता है भाई खाने के लिए फिर रुकेंगे, फिर वहाँ भी आधे घंटा रुकेंगे, फिर अंधेरा हो जाना है भाई पूरा 3:30 में भी समथिंग ही हो गए, ठंडी के टाइम है भाई, वहाँ का 4:30 बजे मतलब मौसम ऐसा हो जा रहा है ना भाई पूरा अंधेरा टाइप का,
फिर वही इवनिंग टाइम में फिर ठंड बढ़ जा रही भाई बहुत ज्यादा। जहाँ से हमने जाना है नहर वाले रास्ते, फिर वहाँ से भी बहुत ज्यादा ठंडा 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 है भाई बहुत ज्यादा। तनी क्या सीन है गाइस का भी यार, भयंकर खाना खा रहे थे भयंकर होटल में भयंकर, इसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही यार। तनी इसकी बैटरी पता नहीं कैसे डाउन हो गई यार, 12 पॉइंट कुछ वोल्टेज तो आ रहा है। गाइस ये रही भाई अपनी मॉन्स्टर, और भाई अपनी गाड़ी का गेलीवर लग चुका था। और भाई क्या हुआ भाई रास्ते में ना भाई हरिद्वार में हमारी बैटरी डाउन हो गई भाई, मेरी 3 बैटरी खराब हो चुकी है गाइस, आपको बताया था पहले भी। और मेरे पे 1 बैटरी बची है वो भी इंडोर है, वो भी फुल रही है। और अभी भाई इसमें फ्यूल अप ही करा रहा हूँ, मतलब कंटिन्यू कर रहा हूँ अपना मतलब कल वाला ब्लॉग है। 250 रुपये गिर गए देख लो अभी यार भाई, 260 भाई इस टाइम पर ना थोड़ा हार्ट टाइट है भाई मेरा तो तब जाके थोड़ा फ्यूल का देखना पड़ रहा है भाई, मैनेज करना पड़ रहा है, नहीं तो आपको पता है भाई इसके लिए 270 क्या होता है, कुछ भी नहीं होती भाई। आओ यार भाई गे लीवर डलने के बाद का भाई जो फील है ना वो इतना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है कि भाई मैं मतलब आपको भाई मैं बयान नहीं कर सकता, आपको मैं बता नहीं सकता कि भाई मैंने ये 5 दिन गाड़ी कैसे करके चलाई है भाई, मतलब बिना गियर के भाई मतलब चलाना आपको पता है कितना ज़्यादा टफ होता है। और अब गियर में तो भाई इतनी ज़्यादा वो मिल रही है ना, जिसको बोलते ना फुल भाई नाच रहा हूँ गाड़ी में, मज़ा आ रहा है। ये देख रहा भाई गियर लीवर क्या सेक्सी है, देखो घर 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 भाई। ब्लॉग भी कंटिन्यू करना था, मैंने कहा भाई तो बैटरी ने तो मेरा पूरा गेम ही भाई बजा दिया, ऐसा कर दिया था भाई। बीच में कोई ना आ जाए, बाकी तो सब कुछ ठीक है। ये देख